सो आई होप कि आई एम लाइव नाउ। अगर सब चीज़ें क्लियरली शो विजिबल हो रही हो तो एक बार हाँ कर दो, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि एवरीथिंग इज़ फाइन और वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा, माइक तो लगाया ही नहीं मैंने। चलो भाई, सब चीज़ें अगर क्लियरली विजिबल हो रही हो तो एक बार हाँ ना कुछ करके बता दो। आई होप कि आप लोग लाइव आ चुके होंगे अभी तक, और जरा मैं कमेंट तुम लोगों की ऑन कर दूं एक बार। हाँ, सो क्लास स्टार्ट हो गई है भैया। एक सब चीज़ें अगर क्लियरली विजिबल हो रही हो तो एक बार हाँ ना कुछ बोल दो। तुम लोगों को देख करके एनर्जी मेरी वापस आ जाती है। एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली तो से यस और नो, और जल्दी बोलो। जितने लोग सेशन में जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दो, और आज की क्लास को शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ, जो कि है एनालॉजी पार्ट 8। पार्ट 10 तक करेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना कुछ और। सो मदन मोहन, अमृत, कृतिका, ओके। सो क्लास को शुरू करते हैं। हेडिंग सभी लोग डाल दो। एनालॉजी काम पूरा वही होगा। इस बार भी हम लोग 10 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और सही क्वेश्चन पे टिक मारेंगे, और जितना आखिरी में ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनों के 10 आउट ऑफ 10 आए, और कम से कम भैया 10 लोग तो ऐसे देखो जिसके 10 में से 10 आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करा जाए। बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या पहला क्वेश्चन शुरू करा जाए? तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया है टॉपिक एनालॉजी पार्ट 8, कंपैरेटिव एनालॉजी के ऊपर। आप इसे वर्ल्ड एनालॉजी भी कह सकते हो, पेयरिंग एनालॉजी भी कह सकते हो, जो कहना है आप इसे कह सकते हो। बस एक बात ये ध्यान रखना कि पेयरिंग जैसा शब्द या कंपैरिजन जैसा शब्द यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और वो काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दें, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तेजी से दें। यहां पर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर लिखता जाऊंगा, और आखिरी में आपसे पूछूंगा कि कितने लोगों के 10 ऑफ 10 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वो ये कह रहा है कि ओडोमीटर अगर माइलेज से रिलेटेड है तो कंपास किससे रिलेटेड है, या कंपस किससे रिलेटेड है? कंपस तो नहीं कहते हैं, कंपास ही लोग कहते हैं, डबल एस लगा रखा है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो तेजी से। ओडोमीटर आपको पता होता है, ओडोमीटर माइलेज से रिलेटेड करता है, तो कंपास किससे रिलेट करता है? सबसे पहले आंसर दिया है गौरव ने, वेरी गुड। चलो सभी लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन, तो वेरी गुड, सही आंसर है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? डी के ऊपर। आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर काम करने वाली एक ऐसी डिवाइस जो कि आपको डायरेक्शन बताती है, और मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करती है? तो मैग्नेट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैग्नेट को रेस्ट में छोड़ दो तो उसके दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और उसका जवाब भी तेजी से दो। क्वेश्चन नंबर 2, मैराथन का संबंध अगर रेस से है तो हाइबरनेशन का संबंध। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कंफ्यूजिंग क्यों है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। मैराथन एक लंबी रेस होती है, एक ऐसी रेस होती है जो लंबी होती है, शॉर्ट टर्म रेस नहीं है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर वाली रेस नहीं है, लंबी रेस है, किलोमीटर्स की रेस है। वैसे ही हाइबरनेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बताओ? दीक्षा, मदन मोहन, प्रीति, रीनू, पवन, अमृत, रौद्दूर, कान्हा, मनीषा, कृतिका, बताओ जल्दी से। इसका भी आंसर डी दे रहे हैं लोग, बाकी लोग आंसर तो गौरव, तेजी से आंसर तो क्या होगा इसका? पूनम ने आंसर दिया है बियर, ओके, यही तो मैं कह रहा था, इसीलिए तो कंफ्यूजन है इसमें। अभी बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है, जल्दी जल्दी आंसर तो क्या होगा इसका? विंटर होगा, बियर होगा, ड्रीम होगा या स्लीप होगा? एक हिंट दे रहा हूं, ड्रीम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जिसमें सी नहीं होगा? और बोलो, अब बचा ए, सी, ऑल, ए, बी, ऑल, डी। आंसर बोलो क्या होगा? तो कृतिका ने बोला है 2 का सी होगा, मनीषा सी, गौरव सी, दीक्षा बी, ओके, मदन मोहन जी बोल रहे हैं विंटर। अच्छा चलो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे बोला मैराथन का मतलब होता है एक लंबी रेस। मैराथन का मतलब क्या होता है? एक लंबी रेस। हाइबरनेशन,
हाइबरनेशन अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है जो कुछ ऐसे जानवरों में देखा जाता है, चाहे जानवर कह लो, कुछ रेप्टाइल्स कह लो, कुछ इंसेक्ट कह लो, तो हम कुछ लिविंग बींग्स ही कह लेते हैं, कुछ ऐसे लिविंग बींग्स में देखा जाता है जिसमें ये होता है कि जाड़ों के समय यानी विंटर्स के समय वो एक लंबी नींद भर जाते हैं। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर आप डी की तरफ ध्यान दो, डी की तरफ, ऑप्शन नंबर डी की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन एक लंबी स्लीप होती है, हाँ या ना? जैसे मैराथन एक लंबी रेस होती है, वैसे हाइबरनेशन एक लंबी स्लीप होती है। तो डी ऑप्शन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, रेदर देन आप विंटर और बियर को चुनो। इसीलिए मैं कहता हूं कंपैरेटिव एनालॉजी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फंसा के रख देते हैं, स्लीप और विंटर में कंफ्यूज्ड हूं। रेनू जी, वही मैंने आपको बताया कि मैराथन क्या होती है, एक लंबी रेस होती है, तो हाइबरनेशन उस हिसाब से क्या हुई, एक लंबी स्लीप हुई। अगर विंटर से लो तो हाइबरनेशन एक प्रोसेस है जो विंटर में होता है, ठीक है, मैराथन कोई रेस के अंदर नहीं होता है। फिर दूसरी बात, मैराथन और हाइबरनेशन बियर हाइबरनेट करते हैं, लेकिन यहां पे रेस मैराथन या मैराथन रेस थोड़ी ना करते हैं। तो कंपैरिजन जरा करके देखो, कंपैरेटिव एनालॉजी में आपको कंपैरिजन ही करना है, तो इस हिसाब से कंपैरिजन में आपका स्लीप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर आते हैं, गलत करो लेकिन करो जरूर। क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर आते हैं, विंडो स्पेन, तो बुक किससे रिलेटेड होगी, तेजी से आंसर दो। विंडो स्पेन तो बुक किससे रिलेटेड होगी? अब दो चीजें हैं आपके पास यहां कंफ्यूज होने के लिए, पहला नोवेल और चौथा पेज। कृष्णन भाई आज एक्सट्रीमली सॉरी बोलेंगे, आज हिंदी में है नहीं क्वेश्चन, कल वाले में हिंदी होगा, कल से हिंदी होगा, आज हिंदी डलवाना मैं भूल गया, ठीक है, तो आज के लिए आज एडजस्ट कर लो बस थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर तीन के ऊपर आते हैं, तेजी से आंसर दो, क्या होगा? विंडो अगर पेन से रिलेटेड है तो बुक भैया किससे रिलेटेड होगा, तो बुक किससे रिलेटेड होगी बताओ? विंडो इज रिलेटेड टू द पेन, तो बुक इज रिलेटेड टू व्हाट? सभी लोग आंसर दे रहे हैं डी और सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड, स्पीड पकड़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर चार के ऊपर आते हैं, एक्सप्लोर होगा, सॉरी ये एक्सप्लोर होगा, एक्सपोर नहीं होगा, एक्सप्लोर होगा ये। एक्सप्लोर अगर डिस्कवर से है रिलेटेड, एक्सप्लोर होगा ये, एक्सप्लोर डिस्कवर, एक्सप्लोर रिलेटेड है किससे? डिस्कवर से। एक्सप्लोर होगा, एक्सपोर नहीं होगा। एक्सप्लोर अगर रिलेटेड है डिस्कवर से तो आप बताओ क्या होगा? रीड, स्किन, रिसर्च, लर्न, हट जाता हूं ना तुम लोग कहोगे हम आगे आ जाते हैं, राइट, प्रिंट, थिंक या रिलेट, जल्दी आंसर दो क्या होगा? रीड, स्किन, रिसर्च, लर्न, राइट, प्रिंट, थिंक या रिलेट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा? सभी लोग आंसर दे रहे हैं सी, राइट, प्रिंट। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जितने भी लोग सी बोल रहे हैं एक बार जरा ध्यान दें। पवन जी, यहाँ तो सब चीज़ें क्लियरली हैं, एक बार आप ऑफ करके फिर से एक बार ऑन कर लो वीडियो को। क्या आंसर होगा? डॉट वाली रीजनिंग इसके बाद शुरू करेंगे अनुज, डॉट, सिचुएशन, रिएक्शन, टेस्ट, ये सब। देखो रिलेटिव एनालॉजी, रिलेटिव एनालॉजी को लगाओ। देखो कोई एक्सप्लोर करता है तो क्या कर लेता है? वो डिस्कवर कर लेता है। कोई एक्सप्लोर करता है तो क्या कर लेता है? डिस्कवर कर लेता है। इसी हिसाब से आप देखो, अगर क्वेश्चन नंबर चार में तो कोई भी क्या अगर राइट करेगा तो क्या वो प्रिंट कर देगा? मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं तो क्या मैं प्रिंट कर दूंगा? नहीं। वन एक्सप्लोर्स टू डिस्कवर इन द सिमिलर मैनर वन रिसर्च टू लर्न, वन रिसर्च टू लर्न। जितने भी लोगों ने बी आंसर दिया है बहुत सही दिया है,
ध्यान से समझो इस चीज को कि कोई एक्सप्लोर करता है तो डिस्कवर कर लेता है किसी चीज को, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप डिस्कवर करोगे। इसी हिसाब से अगर आप देखो तो क्या जितना ज्यादा आप राइट करोगे क्या उतना ज्यादा आप प्रिंट करोगे? नहीं, लेकिन जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे उतना ज्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ज्यादा आप रिसर्च करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। कंफ्यूज नहीं होना इन टॉपिक्स को लेकर के, और पार्ट 8 तक आते आते तो बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बार पार्ट 1 में हो जाओ तो चलो फिर भी समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, आसान क्वेश्चन है ये, है आपका सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स को लेकर के। ये सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स को लेकर के है। सोशल को बना दिया गया है ओशियल्स, तुरंत आंसर दो, तेजी से आंसर दो। साईनाथ, दीक्षा, पवन, गौरव, मनीषा, अनुज, सोनू, प्रीति, हरिंदर, बहुत तेजी से आंसर दो, क्या होगा इसका? सोशल को बना दिया गया है ओशियल्स, तो ड्रिवन को क्या बनाया जाएगा? जाहिर सी बात है, देखो अगर शो SOCIALS सोशल, सॉरी सोशल्स नहीं है, इसको बना दिया गया है ओशियल्स, तो ये सेकंड लेटर से शुरू हुआ है, बाकी एज इट इज कॉपी हुआ है, फर्स्ट को आखिरी में भेज दिया गया है। वैसे ही तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ड्रिवन को बताना है क्या होगा। तो क्या करना है हमें, सेकंड लेटर से शुरू करना है, बाकी को एज इट इज कॉपी कर देना, RIVEN, और ये जो डी है ये यहां पे लिख देना है, बात खत्म। तो आर से ही अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आर से शुरू हो रहा है, वो है हमारा सी ऑप्शन। तो जितने भी लोगों ने सी आंसर दिया है बहुत सही दिया, आई होप आप समझ गए होगे, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर एनालॉजी के ऊपर आ गया है, तेजी से करिए। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही अमृता जी, सी राइट है, साइना सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, पवन, जतिन, अमृता, दीक्षा, जल्दी आंसर दो, अनुज, तेजी से आंसर दो, क्या होगा? 1/8, 1/64, 1/16, तो 1/ क्या? वन बाई एट, 1/16, सॉरी 1/64 है, 1/64, तो आप इसी हिसाब से 1/ क्या दे रखा है, 16, तो आपको बताना है कि 1/ क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप सोच रहे हो कि इसका स्क्वायर है तो आप यहां पर भी स्क्वायर करोगे, लेकिन ऑप्शंस में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं स्क्वायर जैसा, तो स्क्वायर तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दूसरा तरीका क्या बचा, इंटू एट का, 8 × 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 16 × 8। अच्छा तेजी से अगर आंसर निकालना है तो देखो 8 × 6 कितना होता है, 48, यानी आखिरी में 8 आएगा। आखिरी में 8 कहीं पर आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तेजी से कर लिया हमने, और हमसे भी ज्यादा तेजी से आप लोगों ने कर लिया, क्लियर हुई बात। अगर जो लोग स्क्वायर सोच रहे थे तो स्क्वायर सोचोगे तो टिक किस में मारोगे, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है आपको। तो हमने क्या सोचा, 8 × 8, तो 16 × 8, बात खत्म, क्योंकि कंपैरेटिव एनालॉजी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अगला क्वेश्चन वर्ल्ड एनालॉजी के ऊपर आ गया है, तेजी से करो, वर्ल्ड एनालॉजी के ऊपर आ गया है, तेजी से करो। FJULBOQQLHRX, तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा बताओ। जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आप इसको कर लोगे। यहां पे दे रखा है FJUL, ये कितना है, 6, 10, 21, 12। इसको क्या बनाया गया है, BOQQ, तो ये कितना है, 2, 15, 17, 17। अब जरा देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है -4, यहां पर हो रहा है +5, यहां पर हो रहा है क्या, +4, तो यहां पर क्या हो रहा है, +5। -4 + 5 + 4 + 5, निकाल दो जल्दी से आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर दो, अभी तक इसका आंसर ही नहीं किसी ने दिया। -4 + 5 गौरव ने दे दिया, बहुत अच्छा। सॉरी -4 होगा। तो हमारा जो रेशियो बनना है इसमें कंपैरिजन का, वो क्या बनना है, ध्यान से देखो,
-4 + 5 -4 + 5 रेपिटेटिव है, निकाल दो भाई। 12 एल आपका क्या होता है, एल आपका होता है 12। 12 में आप क्या करोगे, -4 तो 8 बन जाएगा, 8 मतलब एच बन जाएगा, एच से कुछ शुरू हो रहा है, एच से हमारे सिर्फ दो शुरू हो रहे हैं, कौन कौन से, सी या डी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, -4 के बाद यहां पे लिख लो LHRX 8 18 24। -4 हो गया, अब हम +5 करेंगे मतलब 13, तो ये कितना हो जाएगा, MHM से कुछ है, केवल एक ही है ऑप्शन नंबर डी, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। सीख रहे हो तो पूरा देख लो। 18 में से अगर आप -4 करोगे तो 14 आएगा, 14 का मतलब N। 24 में +5 करोगे तो कितना आएगा, पहले तो आप 25 पे आए, 26 पे आए, दो तो आपने यहाँ ले लिए, फिर 3 पे आ जाओगे, तो HMNC, तो आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, पहला आंसर सबसे विद एक्सप्लेनेशन गौरव ने दिया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर तेजी से आंसर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, पेन वेन रख दो नीचे, सिर्फ देख करके आंसर दो, पेन को रखो साइड में और सिर्फ देखो और तेजी से आंसर दो। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहो और बताओ क्या होगा आंसर। EJOTVQLG कुछ नहीं है इसमें, मैं एक टर्म बोलूंगा तुरंत आप लोग आंसर दे दोगे, वो टर्म है रिवर्स, वो टर्म है क्या, रिवर्स। सबसे पहला आंसर किसने दिया है, गौरव ने अगेन दिया है 8 का सी, कृतिका ने सेकंड आंसर दिया है। देखो जरा जिनको नहीं आती ये चीज, EJOT को बनाया गया है क्या, VQLG। देखो ई का रिवर्स क्या होता है, वी, जे का रिवर्स क्या होता है, क्यू, ओ का रिवर्स क्या होता है, एल, टी का रिवर्स क्या होता है, जी। सिमिलर काम हम करेंगे BGLQ के साथ। तो B का क्या होता है Y, G का क्या होता है देखो T, L का होता है O, Q का होता है J। ऐसा हमें कहां देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक जगह देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C में, सिर्फ एक जगह देखने को मिल रहा है, कहां पर, ऑप्शन नंबर C में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 मिक्स एनालॉजी के ऊपर आ गया है। करण भाई क्लास शुरू होती है रोज 2:30 से 3, मंडे टू सैटरडे 2:30 से 3। क्लास की टाइमिंग मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, रोज होती है कितने बजे, 2:30 से 3, और वो भी आपका मंडे से सैटरडे। चलो भैया आंसर तो तेजी से, RH13DP क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा आंसर। क्लास का टाइम सौरभ भाई मैंने लिख दिया है, मंडे से सैटरडे 2:30 से 3 डेली, संडे ऑफ। हमें दे रखा है RH को 13 बनाया है, तो DP को क्या बनाया जाएगा, वेलकम सौरभ। देखो इधर ध्यान से, RH को बनाया गया है अगर 13, तो R और H को अगर 13 ये लोग बना रहे हैं, तो R हमें पता है कितना होता है 18, और ये कितना होता है 8, 18 + 8 यानी 18 + 8 = 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 13, R = 18, H ये प्लेस वैल्यू लिखी है मैंने, 18 + 8 = 26, 26 को 2 से भाग दिया 13, 18 + 8 = 26, 26 / 2 विल गिव यू 13। नाउ व्हाट डज DP, D = 4, P = 16, 16 + 4 = 20, 20 / 2 विल गिव यू 10, D = 4, P = 16, 16 + 4 = 20, 20 को भाग दिया 2 से तो आंसर आ गया 10। क्या 10 हमें यहां कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया बी। क्लियर हुई है बात, मिक्स्ड एनालॉजी में कुछ नहीं करना होता, जो दो लॉजिक बताएं वही दो लॉजिक फॉलो करो, नहीं पता है एनालॉजी की क्लास नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो जल्दी से, 18 30 तो 36 क्या, और इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ दो, इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ दो, 20 आंसर बिल्कुल सही था उसका बी, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ दो आंसर क्या होगा, 18 13 है तो 36 क्या होगा। थैंक यू सौरभ, आंसर तो इसका 18 अगर 16 है 30 है
तो 36 क्या होगा? एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दो। गौरव, कृतिका, मदन मोहन, रीनू, आंसर दो। अमृता, दीक्षा, साइना, जल्दी आंसर दो भाई। नंबर एनालॉजी में कोई बात नहीं सौरभ, हमारे साथ दो तीन दिन जुड़ जाओ, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 8 है, पुराने वीडियोस भी एक बार देख लो। जिनको पहले नंबर एनालॉजी में होती थी प्रॉब्लम, अब वही लोग सबसे पहले आंसर देते हैं। देखो इधर, ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया है? अमृत ने एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मदन मोहन ने दिया है। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, 18 को बना दिया गया है 36, तो 36, 18 को 36 ही बनाया गया? नहीं भाई, 30 बनाया गया। तो 36 को क्या बनाया जाएगा? बहुत ध्यान से सुनो, कंफ्यूजन यहां पर भी आ सकती है कि कुछ लोग सोचेंगे ये 6 × 3 है, तो ये 6 × 5 है, तो ये 12 × 3 है, तो ये 12 × 5 है। अगर ये सोचोगे तो आंसर आएगा 60 आंसर आया तो टिक किस पे मारोगे? क्योंकि कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये फंडा तो हमारा नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? अब 18 से अगर हमें 30 पर जाना है तो हम क्या करेंगे? 18 × 2 कितना होता है? 36 माइनस 6 अगर कर दो तो कितना आ जाएगा? 30। 18 × 2 = 36 में 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा? 30। सेम काम हम यहां पर करेंगे, 36 × 2 कितना होता है? 72 में 6 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 66। क्या 66 है ऑप्शन में? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया डी। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के 10 out of 10 आए? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने 10 में से 10 अंक हासिल किए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर 10 out of 10? जल्दी आंसर दो, कितने लोगों के 10 out of 10 आए हैं? और गलत ना बोलना भाई। हाँ बताओ। प्रशांत शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, सर मैंने एसएससी बैच परचेस किया है, मुझे क्लास प्रोवाइडेड नहीं हो रही है, सर प्लीज़ हेल्प मी। मनुजा जी, इसमें मैं आपकी कोई मदद कुछ खास तो नहीं कर पाऊँगा, बट एक बार मैनेजमेंट वालों से आप बात कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मदन मोहन के आंसर आए हैं 9, प्रशांत ने बोला है 1.5 से, 1.5 मतलब क्या होता भैया? अमृता 9 out of 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा हाइबरनेट वाले में कंफ्यूजन आ गई होगी, चलो उसको इग्नोर करते हैं। सर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो आई होप सही हुआ होगा। पवन वेरी गुड, 18 × 1.5 30, तो 36 × 1.5 करो तो क्या 66 आएगा? 36 था ना ये, तो ये 36 और 18, 8 × 6 = 14 और 3 = 2 = 5 ना, लेकिन इसका आंसर 66 ही आ रहा था। वैसे आपका भी फंडा सही है बिल्कुल, 1.5 से भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दे रखा है वहां पर। वेरी गुड, हाँ 66 सही है, 66 ही इसका आंसर एक्चुअल में। सर कैसे कांटेक्ट करें? ईमेल आईडी का रिस्पांस नहीं है मनुजा, एक आप एक काम करना, कल 2:30 बजे आना, कल तक हम इसका आंसर रेडी रखेंगे, ठीक है? तो चलो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके 10 out of 10 आए हैं। एक बात और ध्यान रख लो, एनालॉजी पार्ट 10 के बाद हम लोग एफ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे, तो क्लासेस मिस मत करना, सीधे 2:30 बजे आ जाना। 2:30 बजे ना भी आप 2:35 तक आ जाओ तो 35 तक ही क्लास शुरू हो पाती है, एक तरीके से देखा जाए 2:33, 2:34, ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कोशिश ये करना कि भैया 9 नंबर से कम ना आए, क्योंकि हमारा पार्ट 8 है, कल पार्ट 9, फिर पार्ट 10 एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एफ कैट। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।